उपस्थित राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई सचिन भाऊ, आपके लोकप्रिय कार्य सम्राट आमदार श्री आरिफ नसीम खान जी, यहाँ उपस्थित अब्बास कॉन्ट्रैक्टर जी, शरीफ भाई, गौस भाई, शरद पवार जी, जौकर जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा प्रियतमा सावंत जी, मनचंदा जी, मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, महिला, युवा, सेवा दल, सभी सेल्स के मेंबर्स और पदाधिकारी और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ऐसा लग रहा है कि एक विक्ट्री का जश्न है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कार्यकर्ता का मिलावा है। लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे आमदार का कि इन्होंने एक कांग्रेस की सेना बनाई है चांदीविली में, और इस सेना की ताकत हम जमीन पे देखेंगे, चुनाव के दिन देखेंगे और जब जीत कर आएंगे फिर देखेंगे। मेरे भाई मिलिंद देवरा जी ने भी आपसे संपर्क किया, सचिन भाऊ ने किया, मिलिंद देवरा जी ने, नसीम भाई ने किया, आप सबको ये समझाया कि क्या मुद्दे हमें लोगों तक पहुंचाने चाहिए। ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा कि इन 5 सालों में इस सरकार ने क्या किया है, मैं कहूंगी कि क्या नहीं किया। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूं कि आपके जिंदगी में कोई अच्छे दिन आए? इन 5 सालों में किसी के जिंदगी में कोई अच्छे दिन आए? लेकिन 2014 में एक बहुत बड़ा इश्तिहार आया। एक मैं समझती हूं जैसे हम टीवी पे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि कोई एक प्रोडक्ट, आप समझ लिए पतंजलि का शैम्पू कोई बेच रहा हो, बहुत अच्छा लगता है जब आप प्रोडक्ट देखें क्योंकि इश्तिहार इतना बढ़िया होता है, और हम समझते चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। और यही 2014 में हुआ, बहुत बड़े बड़े इश्तिहार आए, लोगों तक पहुंचा, उन्होंने झूठे झूठे चीजें बताई, बड़े बड़े सपने दिखाए, और इन्होंने ये प्रोडक्ट बेचा। और प्रोडक्ट का नाम क्या था? मोदी। उन्होंने एक ही इंसान को 2014 में बेचा, पार्टी नहीं, कुछ नहीं, एक इंसान को बेचा। जब लोग वोट देने गए उन्होंने कैंडिडेट नहीं देखा, उन्होंने एक ही इंसान देखा और वही वोट दिया, तो उसी बुनियाद पर वो जीत कर आए। जब बहुमत से वो जीत कर आए उन्होंने फिर देखा कि अब तो सत्ता हमारे हाथ में, और वो भूल गए कि जो कुछ भी वादे हमने किए थे उसके बारे में भूल गए। तो जब हमने पैकेज खोला वो पैकेज में कुछ अलग ही था। तो झूठ की बुनियाद पर अगर कोई जीत कर आता है कभी ना कभी उनको मार भी पड़ती है, और वही मार 29 अप्रैल को इस सरकार को पड़ेगी, इस जनता से। जब नोटबंदी आई उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले तो कहा लोगों को कि हम काला धन निकाल रहे हैं, इस पूरे सिस्टम से काला धन निकाल रहे हैं। तो बेचारे सभी गरीब जो बैंक की लाइन में खड़े थे, मिडिल क्लास लोग बैंक की लाइन में खड़े थे, सोचा ये तो हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो क्या हो गया,
दो दिन हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे, लेकिन ये हम अपने देश के लिए कर रहे हैं। फिर पता चला कि काला धन था ही नहीं, तो उनको क्या मिला? जो गरीब के घर से पूंजी मिली, उन्होंने उस पूंजी को खत्म किया। क्या वो काला धन था कि उनकी रोजी रोटी थी? तो डीमोनेटाइजेशन ने, नोटबंदी ने सिर्फ गरीबों को ही मारा है। आपने देखा कोई अरबपति, कोई अमीर आदमी लाइन में खड़ा है, जो लाइन में खड़े होके मर गया? नहीं। जीएसटी ने सब कारोबार खत्म कर दिए, छोटे छोटे कारोबार खत्म कर दिए, छोटे छोटे बिजनेसेस खत्म कर दिए, रोजगार खत्म हो गया इस देश से। आज 40 साल में बेरोजगारी सबसे ऊंचाई पे है इस देश में। तो जब हम विकास की बात करते हैं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि इन 5 सालों में हमने कोई विकास नहीं देखा, सिर्फ और वायदे देखे और सपने दिखाने का काम कर रहे हैं ये। लेकिन अब जनता समझदार हो गई और यही हमें जाके उन्हें समझाना है। आप सब हमारी ताकत है, हमारे कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के भी हैं, और आप सब सक्षम कार्यकर्ता हैं। जैसे नसीम भाई ने कहा, हर ब्लॉक लेवल कार्यकर्ता ब्लॉक लीडर है, आप सब लीडर हैं। और लीडर की हैसियत से आपको प्रिया दत्त बनकर, राहुल गांधी बनकर, शरद पवार जी बनकर लोगों के बीच जाना है, उनको समझाना है कि ये गवर्नमेंट ने 5 साल क्या किया है, उनको समझाना है कि जब हम आए सत्ता पे हम क्या करेंगे। हमारा मैनिफेस्टो एक बहुत उम्दा मैनिफेस्टो है। राहुल जी ने बहुत प्रयास किया है कि जब वो एक मैनिफेस्टो बनाए, ये मैनिफेस्टो एक जमीनी लोगों के साथ बात करके, एक लोगों की मैनिफेस्टो है ये। उन्होंने महिलाओं से बात किया है, युवाओं से बात किया है। मैं समझती हूं कि ये हमें लोगों तक पहुंचाना है। 2014 में हमारे से यही चूक हुई। हम 10 साल जब सत्ता में थे, बहुत कुछ किया था हमने। सबसे ज्यादा जो योजनाएं थी लोगों के हित में, गरीबों के हित में, वो यूपीए सरकार लाई थी, लेकिन हम लोगों तक उसे पहुंचा नहीं पाए, बता नहीं पाए कि हमने कितना काम किया है। ये चूक इस बार नहीं होनी चाहिए हमसे। तो मैं यही आश्वासन लेना चाहती हूँ हमारे सभी यहाँ परिवारजन से कि इस बार ये इलेक्शन लड़ेंगे जैसे हम सब इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये प्रिया दत्त का इलेक्शन नहीं है, ये आप सब का इलेक्शन है और आप सब हमारी ताकत है। तो इस बार इनको दिखाना है कि ये ताकत क्या है, हमारी ताकत क्या है। तो आप सब हाथ ऊपर करके मुझे आश्वासन दीजिए कि आप सब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं कोशिश करूंगी एक शायरी। बहुत ढूंढ के निकाली है। हम हमेशा कहते हैं कि हम हमेशा अमन और शांति में विश्वास करते हैं, हम नेगेटिव बोलना नहीं चाहते। और मैं समझती हूँ कि ये एक शेर है गालिब का, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, खुदा की मोहब्बत को फना कौन करेगा, सभी बंदे नेक हो तो गुनाह कौन करेगा। ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, ऐ खुदा मेरे दोस्तों को सलामत रखना, वरना मेरी सलामती की दुआ कौन करेगा। और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, और रखना मेरे दुश्मनों को भी महफूज, वरना मेरे तेरे पास आने की दुआ कौन करेगा। बहुत बहुत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।